जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार भुंतर से सटे पीपलागे गांव में माता नैणा का 19वां जागरण बड़े हर्षों उल्लास से मनाया गया। इस जाग उत्सव के उपलक्ष पर माता भद्रा काली, माता कोयला, माता शीतला, माता छत्रेश्वरी अपने कारकुनों और हरियाणों सहित विशेष रूप से पधारी। इस जाग को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और इसके कोने कोने में देवी देवताओं का वास है। देव संस्कृति हिमाचल के लोगों के जीवन का आधार है और यहाँ वर्ष भर देवी देवताओं के सम्मान में मेले, जागरण व उत्सव आयोजित किए जाते हैं। जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार भुंतर से सटे पिपलागे गांव की माता नैणा का 19वां जागरण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर त्रिनेत्रा मंदिर कमेटी द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने माता का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर रात्रि 2 बजे माता नैना भद्रकाली ने अपने कारकुनों हरियाणों सहित ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में प्रवेश किया और अंगारों के चारों ओर परिक्रमा की। इस जागरण की खास बात यह है कि यहां पर माता के गुर चेलियां जलते हुए अंगारों पर चलकर माता की शक्ति का प्रमाण देते हैं। इस जाग को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं। माता भद्रकाली, माता नैना के पुजारी अमित महंत ने कहा कि माता नैना की जाग बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान माता के गुर चेलियां माता का रथ आग के अंगारों पर चलते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि माता की कृपा से आग पे कूदकर गुर व चेलियों के पैर में कुछ भी नहीं होता, ये सब माता की शक्ति है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पिपलागे गाँव में माता रानी का ये जाग जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इसमें माता भद्रकाली, माता छत्रेश्वरी, माता कोयला, माता शीतला और माता नागरानी जो अतिथि देवियों के रूप में यहाँ पे उपस्थित थी, और ये नैना माता की जाग इस बार 19वां ये जाग जागरण मनाया गया, जिसमें यहाँ के हमारे भुंतर, कुल्लू और दूर दूर से लोगों ने भाग लिया। सभी ने हर्षोल्लास से माता रानी के इस जागरण में भाग लिया। माता रानी रात को यहाँ मंदिर में पहुँची। मंदिर में प्रवेश करने के बाद जैसा कि आप सबने देखा कि यहाँ की जो प्रथा है, जिस प्रकार दहकते अंगारों पे माता के गुर चेलियाँ और माता के रथ जिस प्रकार चलते हैं, ये एक महामाई की अद्भुत शक्ति है। ये माता रानी की शक्ति से ही संभव है, अन्यथा इस तरह का कार्य कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता है। ये महामाई की शक्ति है, बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप सबने बाकी अपनी आंखों से ही देखा कि किस प्रकार से 2 से 2.5 घंटे तक सभी माता के गुर चेलियां और माता के रथ आग के ऊपर चले और किसी के भी पैरों में जरा सी भी आंच नहीं आई, ये इस महामाई की शक्ति है। माता भद्रकाली व माता नैना के गुर अश्वनी कुमार राणा ने कहा कि नैना माता का 19वां जागरण उत्सव मनाया गया। उन्होंने कहा कि जाग उत्सव में माता निसंतान महिलाओं पर कृपा करती हैं। उन्होंने कहा कि माँ के दरबार में सभी भक्त नारियल लेकर आते हैं और माता नारियल से सभी भक्तों के ग्रहों का निवारण करती हैं। नैना देवी का 19वां जागरण और जाग होम मनाया गया, जिसमें माता रानी ने अपने आसपास के मंदिरों से भगवतियों को बुलाया था, जिससे मंदिर की शोभा और बढ़ी और माता की शक्ति खूब और भी तीव्र तेज हुई और काफ़ी लोगों ने आके माता का आशीर्वाद लिया। ये सारा कार्य तो सिर्फ माता की शक्ति से ही हो सकता है, या साधारण आदमी या कोई ऐसे नहीं कर सकता। जब माता की शक्ति प्रकट होती है सबके शरीर में, तभी माता रानी ये सारा कार्य कर सकती है, और हम इंसान कभी इसको कभी नहीं कर सकते। ये सब कुछ माता की शक्ति से ही संभव है, जो आज तक हम माता रानी की शक्ति से कर रहे हैं या माता रानी हमें करवा रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि माता की शक्ति है या नहीं। आज भी भगवती की शक्ति इस कलयुग में भी तत्काल और साक्षात है। जिस शक्ति के सहारे हम भगवती के इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, अन्यथा ये साधारण इंसान कभी नहीं कर सकता। और जितने भी चेलियाँ हैं, गुर हैं माता के, सब में भगवती प्रवेश होती है और भगवती अपना कार्य करवाती है, जिससे अपने होने का प्रमाण देती है। आज ये भगवती का जन्मोत्सव है, प्रकट भाव है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।